तो दोस्तों आज की वीडियो है रिलेटेड टू द सेटअप ऑफ योर मैकबुक। और अगर आप न्यू मैकबुक लिए हैं या फिर आपके पास आपने रीसेट कर रखा अपने मैकबुक को, तो उसे आप किस तरह से सेटअप करोगे फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पावर ऑन कर लेना है अपने मैकबुक का। और जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे एक साउंड आ जाता है मैकबुक की तरफ से और ये एप्पल का लोगो आपको दिख रहा है। सो ये अब रिस्टार्ट के प्रोसेस में है और थोड़ा फास्ट वर्क करेगा बिकॉज मैकबुक हमेशा SSD स्टोरेज यूज़ करता है और SSD ऑलवेज फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू HDD। सो अब वेट करते हैं इसके पूरे हो जाने का, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब ये है आपकी जो पावर होता है ऑन करने के बाद, जो सबसे पहला पेज आता है वो ये आता है कि आपको अपनी जो रीज़न होती है या फिर आपकी कंट्री से चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी कंट्री को चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ इंडिया। और इंडिया को चूज़ करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज के ऑप्शंस दिखने लगते हैं और आपके डिक्टेशन और बाकी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आती हैं। कस्टमाइजेशन सेटिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी यूज़ करना चाहूँगा और एक लैंग्वेज और मैं ले लेता हूँ, द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश अगर इसमें आती है तो, अगर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। सो इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, हम इंग्लिश को देख लेते हैं US वर्जन में। इंग्लिश इंडिया मिल गया, बहुत बढ़िया। और जो UK वाला था हम इसे हटा नहीं सकते, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं और हमारे पास तीन टोटल लैंग्वेजेस हो गए, ABC इंडिया, ABC आपका हिंदी A to A। ठीक है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। विजन, मॉनिटर, हियरिंग और कॉग्निटिव, तो इसमें हम अभी नॉट नाउ कर लेंगे। और देखो एसेसिबिलिटी क्या है, तो एसेसिबिलिटी फीचर्स अडॉप्ट योर मैक इनटू इंडिविजुअल नीड्स, यू कैन टर्न देम ऑन नाउ टू हेल्प यू फिनिश सेटअप्स, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम नॉट नाउ पे कर लेंगे। और वाईफाई ये पूछेगा तो वाईफाई को मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो ये मेरी वाईफाई जो है इसकी लॉगिन के लिए मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैंने इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या है, ऊपर देख सकते हैं वाईफाई ऊपर कनेक्ट हो गई है मेरी। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है समटाइम। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि अंडर प्रोसेस आ चुका है एज मेरी वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, अब कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रॉम अ मैक अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं, लाइक न्यू सेटअप करना चाहते हैं, तब तो आपको नॉट नाउ पे कर लेना है। और अगर आप किसी विंडोज़ से PC से अपने आप को रीसेट यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्रॉम अ PC चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तब चूज़ कीजिएगा यदि आप माइग्रेशन करना चाहते हैं। अगर आप पहले से मैकबुक यूज़र हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, और विंडोज़ से अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप दूसरे को चूज़ करके अपने डाटाज़ को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं न्यू सेटअप चाहता हूँ, नॉट एज अ ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी साइट लाइक मैक और OS। कोई भी मैं OS से ट्रांसफ़र नहीं चाहता हूँ, ना माइग्रेशन चाहता हूँ। तो मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ अभी। और नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे आपसे पूछेगी आपकी Apple ID। सो Apple ID अगर आपने बना रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं बना रखा है तो क्रिएट न्यू Apple ID पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे ईमेल पूछ देगा, आपका नाम पता जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो अभी ये नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन मैं अपनी जो मेरी ID है वो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। मैंने अपनी एप्पल की ID डाल दी है और उसे मैंने मूव भी कर दिया है आगे। सो अब ये OTP आएगा आपके नंबर के ऊपर, जो भी आपने नंबर दिया होगा। सो मेरे पास OTP आ चुकी है और मैं OTP डाल देता हूँ। और ये मैंने OTP डाल दिया है, अब ये आई थिंक सो वेरीफाई हो जाएगा तुरंत। सो थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस, आज मेरी इंटरनेट थोड़ी सी स्लो है, नॉट सो फास्ट। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस को जो iCloud की होती है उसे एक्सेप्ट कर लेना है, तो मैं एग्री कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा सेटअप्स के लिए। इसके बाद आपसे ये कंप्यूटर अकाउंट के लिए आपका कंप्यूटर का नाम पूछ लेगा, आपके कंप्यूटर का नाम आप क्या रखना चाहते हो, यानी कि मैक OS का, जो भी आपकी मैकबुक होगा लाइक जयंत श्रीवास्तव भी दिख रहा है आपको। और अगर आप मैकबुक को लॉक करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड क्या है,
तो मैंने यहाँ पे दोनों का पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। याद रखिए ये एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं है, ये आपके सिस्टम को लॉक करने के लिए पासवर्ड है। तो जब भी आप रीस्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, तो आपसे ये पासवर्ड हमेशा पूछेगा, देन ऑनवर्ड ये आपकी जो आगे की प्रोसेस है यानी कि विंडोज़ है वो ओपन होती है। सो अभी आई क्लाउड के बारे में पूछेगा, तो आई क्लाउड की भी इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना डाल रखा है एप्पल आईडी, तो आई क्लाउड वहाँ से ये कैच कर लेगा जो भी रहा होगा। सो अब अगला प्रोसेस आ जाता है आपका एक्सप्रेस सेटअप का, जिसमें आपसे एप्पल आईडी जो हमारी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं लाइक मैप्स और बाकी चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप एप्पल की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे शेयर क्रैश एंड यूजेस डाटा विद ऐप डेवलपर्स, तो आप इसे कंटिन्यू कर लेना क्लिक करके। इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई इश्यूज आती है आपकी मैकबुक में किसी एप्लीकेशन या किसी चीज़ को लेकर, तो ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट कर देता है डेवलपर को कि आपकी इतनी क्रैशेज एंड ऑल रिपोर्ट्स हैं। तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं सीरी को। सीरी क्या है, जस्ट लाइक गूगल, जैसा गूगल वॉइस होता है उसी तरह का आपका सीरी होता है। अभी से हम इम्प्रूव सीरी डिक्टेशंस अभी करते हैं आगे। अब आगे क्या है, फाइल वॉल्ट डिस्क इंक्रिप्शन। तो ये डिस्क की इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, आपकी डिस्क हमेशा सिक्योर रहती है हैकर से। अब आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है इस कंपेयर टू विंडोज़, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा है आपके लिए। और लाइट वर्जन में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ अपने लुक को। आपके पास दो लुक है, लाइट और डार्क, या फिर आप ऑटो कर सकते हैं। रात होगी तो अपने आप ही आपका डार्क मोड में आ जाएगा और दिन में ऑटोमेटिकली ये लाइट मोड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। सो अब जैसे आप इसे कर लेंगे, अब आपका अगला पेज जो है वो आपका विंडोज़ ओपन हो जाएगा, आई होप सो। देखते हैं क्या आता है। सो आपकी ये विंडोज़ जो है ये ओपन हो गई। अब आपको अनलॉक करने के लिए अपना जो भी आपका ये स्क्रीन है तो आपको अपनी पासवर्ड डालनी होगी। सो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि मेरा जो डिस्क है वो ओपन हो जाए और आई होपफुली इट इज़ अनलॉक्ड। अब देख सकते हैं ये आपका जो विंडोज़ है मैकबुक, इसकी वर्जन देख लो आप, बिग सुर है और 11.4 वर्जन अभी करेंटली है। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर का नया अपडेट नहीं है क्योंकि कल ही मैंने अपडेट करने के बाद इसे रीसेट किया था। सो आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर सेटअप समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो भी रिक्वायरमेंट हो, अगर किसी चीज़ में कोई इश्यूज हो आपको सॉफ्टवेयर्स को चलाने में या फिर सेटअप करने में, तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय वीडियो। आप सभी का रिप्लाई मैं इंस्टेंटली जब भी मैं देखता हूँ तो मैं करने के प्रयास हमेशा करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों।